अब तक वीडियो को 10,000 से ज्यादा लोग इंटरनेट पर देख चुके हैं। आई फील जल्दी ही पुलिस तक भी पहुंच जाना चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स इसे शेयर कर रहे हैं। हे भगवान जी, अब जल्दी ही ये वीडियो पुलिस तक पहुंच जाए। ये मोटर फायर की गई, 24 मिनट तक मोटर फायर हो गई, उसके बाद अब ये मोटर बंद कर दी। तो उसके ऊपर जो मंगलयान के ऊपर एक्सेलेरोमीटर लगे, वो देख रहे हैं कि इसकी स्पीड कितनी धीमी हुई। अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना, लगातार शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। होने के बाद तो शुरू हो गया था, तो वो जानकारी अब आ गई है। तो अब इस क्रूशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार है कि क्या मंगलयान ऑर्बिट में आ गया है और इसके बारे में सचिन जी। और सचिन के पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या हुआ, वापस से मिनी हार्ट अटैक आया क्या? नील, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? तू ये क्या देख रहा है? कक्षा में डालने का जो सारा का सारा खेल था वो क्या आधे घंटे का, क्या देख रहा हूँ? तूने कब से न्यूज देखनी शुरू कर दी? 18 प्लस चैनल देखूं, आपको खुशी मिलेगी तब? चुप कर, शौक तो लगेगा ना। सुबह तो पढ़ाई कर रहा था, अभी तो न्यूज चैनल देख रहा है। तूने दिव्यानी के साथ भी सही ढंग से पेश आना शुरू कर दिया है, तो मुझे बताएगा ये सब चल क्या रहा है? मम्मी, अगर आपको खुशी मिलती है ना, तो मैं आज से पढ़ाई करना बंद कर दूंगा और लोगों से तमीज से पेश आना भी बंद कर दूंगा। हैप्पी? हैप्पी तो मैं हो जाऊंगी अगर तू ये कहेगा ये जो तू न्यूज चैनल देख रहा है ना, इसका देवयानी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब शुक्र है बाबा जी, मेरी जान में जान आई। अगर तू हाँ में जवाब देता ना, तो आज मैं जुत्ती उतार के तेरी छित्रौल करने के पूरे मूड में थी। शुक्र है, चल तू टीवी देख, मैं अपने लिए ना सैलेड बना के लाती हूँ, डाइट मेयोनीज और चीज डाल के। हाँ चल। पापा, हमने सब चेक कर लिया, अभी आप मिंटी आंटी का हलचल हलचल पूछ के आइए। बेटा, मिंटी आंटी का हलचल ले चुके हैं हम, वो एकदम भली चंगी हैं। तुम ही लोग ज्यादा डर रही हो, पता नहीं क्या हो गया। गुड्डू, अब तो ठीक हो ना? लो दिखाओ क्या पढ़ाई कर रही हो। अरे सबने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? देखो बेटा, अलका दीदी आ रही है ना घर में, अब तुम लोगों को ऐसे डरा हुआ देखेगी, मुंह लटकाए हुए देखेगी, तो वो भी दुखी हो जाएगी ना, तो खुश हो जाओ थोड़ा। बेटा, लड़की ससुराल से आती है मायके नई ऊर्जा लेने के लिए, ताकि ससुराल में जो छोटी मोटी मुश्किलें होती हैं उससे वो लड़ पाए। खुश हो जाओ। जी पापा, दीदी तो आती होंगी ना, तो हम सबके लिए कुछ बना के लाते हैं। हाँ बेटा। हम देखते हैं। अब दीदी संभाल के दरवाजा खोलना। अरे बेटा तुम लोग रहने दो, हम देखते हैं। खा मखा तुम लोग भी ना। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे वाह अलका, वाह कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक पापा, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। नमस्कार, आओ बेटा। आप कैसे? ठीक हूँ। क्या बात है? बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब जाएंगे। अलका दीदी, नमस्ते। अलका दीदी, आप हनीमून से वापस क्यों आ गई?
ओ गुड्डू हम वही तो मैं भी सोच रही थी। पता है बिना किसी कारण ही देवरानी जी की तबीयत खराब हो गई और ये हनीमून से वापस भी आ गई और फिर अचानक ही अपने से तबीयत ठीक भी हो गई। अब लगता तो ऐसा ही है कि हनीमून से बचने के लिए ही तबीयत खराब हुई थी। क्यों देवरानी जी? हाँ नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या बेटा तबीयत खराब हो गई थी? जी पापा बस थोड़ा सा, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या बात है, क्या हुआ शास्त्री सिस्टर्स को? इतने शांत शांत, कोई शोरगोल नहीं, कोई उछल कूद नहीं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप बताइए ना क्या लेंगे। हम सबके लिए कुछ बना के लाते हैं। एक मिनट अनु, हम अनु की मदद कर देते हैं। अरे नहीं बेटा, हम पहले भी कह चुके हैं आपसे, तुम यहाँ आओगी तो आराम करने आओगी, ससुराल में इतना काम तो करना ही पड़ता होगा। अरे नहीं नहीं शास्त्री जी, हमारे घर में नौकरानी है, वही सारे काम करती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जाओ काम कर लो। जाओ हम आते हैं। आई और सुनाइए कैसे हैं पांडे जी? और हाँ बिल्कुल सब ठीक है। और आपका काम वाम कैसे चल रहा है? अच्छा, कैसे हैं सब? ऑफिस में बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा है। कितनी सैलरी होगी आपकी? दीदी अब तो बताइए क्या हुआ? अभी नहीं अनु, अभी सब है, हम बाद में बात करते हैं अकेले में। ठीक है जैसा आप चाहें। अब टीवी चलाओ ना। अब पापा आपको याद है कल रात को हम लोग जो न्यूज़ देख रहे थे उस न्यूज़ में कुछ प्रोग्रेस हुई है? लगा बेटा पता तो लगे अपराधी पकड़ा भी गया कि नहीं। कल करोल बाग के पास हुए हादसे के दोषी पकड़े गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से वो पकड़े गए हैं वो एक वायरल वीडियो के जरिए पकड़े गए हैं। हम तो जी ये केस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते, वो तो ये वीडियो भेज दिया भगवान जी ने जिसकी मदद से वो मुजरिम पकड़े गए। सर आपको क्या लगता है ये वीडियो किसने बनाया होगा? ये वीडियो जी मेरे ख्याल से ना किसी बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले इंसान ने बनाया है, जो उस समय स्पॉट से गुजर रहा होगा और उसने वीडियो शूट कर लिया होगा। और देखिए बिना देरी किए उसने ये वीडियो को अपलोड कर दिया जिससे हमें हेल्प मिल सके और मुजरिम पकड़े गए। जिस किसी ने भी ये वीडियो अपलोड किया है मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता की ओर से उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर इसी तरीके से कुछ सिटीजन सामने आते रहे तो दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने में बहुत आसानी होगी। भगवान भला करे उस इंसान का जिसने वो सारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ पापा उस इंसान का ही क्यों, उसके घर वालों का भी, उसके पापा का भी, उसके बहनों का भी करे ना। हाँ बेटा जरूर। वैसे एक बात है, ये इंसान जो भी है बड़ा सयाना। अच्छा बेटा ये वायरल फीवर तो सुना था, वायरल वीडियो क्या होता है? समझिए आपने कोई वीडियो बनाया, उसे आपने इंटरनेट पे डाल दिया, किसी ने आपका वीडियो देखा, उसे लाइक किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और ऐसा ही कई लोग करते गए तो कुछ ही घंटों में वो वीडियो हजारों लाखों लोग देख लेंगे। इसे कहते हैं वीडियो वायरल होना। इसका खांसी जुकाम से तो कोई लेना देना नहीं है ना। मॉम हाँ? क्या कर रहे हो? किचन में रख के हो ना? तो मैं हूं ना, मैं रखता हूँ, आप आराम करो। दिव्यानी का मैसेज। नील नील थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने हमारी लव स्टोरी बिगड़ने से बचा ली। कौन सी लव स्टोरी? अरे वही लव स्टोरी जो हमारी अपनी खुद के साथ चलती रहती है। देखो अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और हमसे क्या प्यार करेगा? अगर हम ये वीडियो पुलिस तक नहीं पहुंचाते ना तो हम पछताते रहते, लेकिन अगर घर वालों को बता देते ना तो घर वाले हमें पछताने पे मजबूर कर ही देते। पर तुमने तो फ्लाईओवर के ऊपर से एक रास्ता बनाया और वीडियो वहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अब पछता रहे सिर्फ क्रिमिनल्स। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं हैंडसम के साथ साथ स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हूँ। देखो नील वो सब हमें नहीं पता,
पर तुम एक अच्छे फ्रेंड जरूर हो। ओए कंजूस, अब ये बताओ कि ट्रीट कब दे रही हो? अरे हम तुम्हें खुद से बात करने दे रहे हैं, ये किसी ट्रीट से कम है क्या? बात कर रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं ना, चलो चलते। अरे नील चलो, वरना मिंटी आंटी आ जाएगी ना। चलो चलो चलो। वो 27 नंबर सरीन हाउस यही है भाई। जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। क्या हम अंदर चल सकते हैं? श्योर, लेकिन क्यों? और इस घर में से किसी ने करोल बाग के इंसिडेंट्स की वीडियो अपलोड की है। आपको इस घर का एड्रेस कहाँ से मिला? इस घर का पता हमने आईपी एड्रेस से ट्रैक की है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसका तोड़ पहले ही इन्वेंट हो जाता है। अच्छा सर, आप हमसे जिस किसी ने भी ये वीडियो अपलोड किया है उनसे क्या चाहते हैं? ओ जी, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी। आज उसकी वजह से 2 क्रिमिनल पकड़े गए हैं। अगर बाहर होते ना तो न जाने कितने क्राइम्स और कर रहे होते। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, हम वेट करते हैं तब तक। कहीं ये ज्यादा देर तक रुके तो कोई अंदर से बाहर ना आ जाए। सर, वो वीडियो ना हमने रिकॉर्ड किया था, और ये हमारे फ्रेंड है नील सरीन, इन्होंने वो वीडियो अपलोड करने में हमारी मदद की थी। ओह वेल डन यंग बॉय, वेल डन। ओ इस देश को नाज है तुम जैसे होनहार और स्मार्ट बच्चों पर। आप लोगों को तो इस देश का यूथ हीरो बनाना चाहिए। सर, इस वक्त अगर हमारे घर वाले यहाँ आ गए ना तो वो हमें विलन्स बना के जरूर छोड़ेंगे। सर प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइए। वो ठीक है, पर ऐसा क्यों? सर प्लीज आप यहाँ से जाइए ना। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। ओ नहीं जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू, एंजॉय करो जी। थैंक यू। यूर वेलकम हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा काम दोबारा नहीं करना चाहते। वैसे नील, फाइनली सब कुछ पॉजिटिवली एंड हो रहा है ना? बुरे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए, बीमार लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, और पुलिस वालों ने हमें हीरो तक बोल दिया। और तुमने मुझे फ्रेंड बोल दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीडियो पुलिस तक पहुंच गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। भगवान जी चाहे जो कुछ भी करे, एंड में सब कुछ ठीक कर ही देते। नील, बहुत रात हो गई है, हम जाते हैं। गुड नाइट। सुनो देवयानी, फोन से वीडियो डिलीट कर देना। हाँ हम कर देंगे डिलीट, बाय। और जो मैंने देखा उसे कैसे डिलीट करोगे? उस इंटरनेट की पुलिस को तूने ये तो नहीं बताया होगा ना कि इतनी रात को इतनी सुनसान जगह तू क्या करने गई थी? नहीं। हाँ मैं बताती हूँ, मुझे मुक्के पड़वाने की प्रैक्टिस करने गई थी तू। देवयानी कहाँ चले गई बेटा तुम? ये लो, खुद ही न्यूज चैनल लगाया और खुद ही बाहर आ गई। अरे वो करोल बाग वाली खबर आ रही है। हाँ पापा हम आ रहे हैं। एक मिनट रोक, इधर हिलना नहीं। अरे शास्त्री जी, वहां तो लो क्वालिटी वर्जन चल रहा है, असली HD वर्जन तो यहाँ चल रहा है। क्या मतलब भाभी जी, समझे नहीं कुछ।
अरे शास्त्री जी, पुलिस आई, आपकी बेटी की तारीफ की, आपकी बेटी को तो मोहल्ले का हीरो बना दिया, और आपको अपनी बेटी की महानता का कोई आइडिया ही नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ आपको विस्तार पूर्वक, क्योंकि जब तक मैं आपको समझा नहीं लूंगी मेरा ये दर्द कम कैसे होगा। पर मम्मी। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तो शुरू से ही कहती थी ये लड़की कोई ना कोई स्यापा करेगी, कर दिया ना, पुलिस घर तक आ गई। अब समझ में आया मम्मी जी किन गुणों के बारे में तारीफ करती रहती हैं। अभी तक सिर्फ मोहल्ले में चर्चा थी शास्त्री सिस्टर्स की, अब तो कारनामे टीवी पे भी आने लगे। क्या संस्कार दिया है आपने भाई। वाह, बिल्कुल सही, लड़कियों को लड़कों के कंधे से कंधा मिला के ही चलना चाहिए। अगर लड़के शराब पीते हैं तो लड़कियों को भी शराब पीनी चाहिए। अगर लड़के घर में देर से आते हैं घर रात को, तो लड़कियां भला क्यों आए जल्दी, बताइए। भाभी हम चले, माँ वेट कर रही होगी ना। समझ में आ रहा है आप ऐसा क्यों कह रही। शास्त्री जी आप हमारे जाने के बाद ना देवयानी को डांटिएगा मत, बेचारी ने किया क्या, बस आपसे झूठ बोल के रात को पार्टी में तो गई थी। हाँ वो दूसरी बात है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता ना तो मेरे पिताजी मुझे मार डालते गला दबा के। पर वो थोड़े ट्रेडिशनल किस्म के इंसान है, आप लोग ठहरे मॉडर्न है कि नहीं। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। चले देवरानी जी। शरारत और बदतमीजी के बीच एक रेखा होती है बेटा, जो तुम पार कर चुके हो। पापा वो गलती से हो। और कितनी गलती करनी बाकी है। गलती से तुमने एनसीसी ज्वाइन किया, गलती से मेरा सिग्नेचर किया, गलती से हमारी बात नहीं मानी, और कुछ गलती बाकी रह गई है क्या। गलती तो हम करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करके, उनके गलतियां माफ करके, उनसे ये उम्मीद लगा के कि वो हमारी बातें मानेंगे। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे हम वही करेंगे। और क्या रह गया बेटा कहने को। हाँ हमारी सारी बातें तो तुम्हें बेवकूफियां लगती हैं, करती वही है जो तुम्हारा दिल चाहता है। जरा से भी झिझक नहीं होती तुम एक बार बार रिपीट करने की कि हम सुधर जाएंगे, नहीं करेंगे ऐसी गलती। ऐसा नहीं है पापा। तो फिर कैसी बात है बताओ, क्या सोच के कहती पार्टी में तुम, यही सोची थी कि पापा बेवकूफ है उन्हें पता नहीं चलेगा। बेटा जब कोई बच्चा बार बार चोट पहुंचाता है, बार बार दुख देता है ना, तो दिल टूटने लगता है उस बच्चे से। और अब वो समय आ गया है, ऐसा लगने लगा है हमें। पापा प्लीज ऐसे मत कहिए। बेटा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब हमें ऐसा लगने लगा है कि बाकी बेटियों जितना भरोसा नहीं कर पाएंगे हम तुम पर। पापा शायद आपके भरोसे के लायक हम भी नहीं हैं। क्योंकि हमने भी आपसे झूठ कहा, हमें पता था एनसीसी पार्टी के बारे में। Mora?
updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.